وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم محترم उसमें दादी में बैठने का मौका आया था। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार
कोई काम करने का मौका आया तो किया कि हमारे गुरु नानक मस्जिद से दूर है और मस्जिद से करीब कर लेना।
जहां हो रही हो, इसलिए कि तुम बस अपने घर से मस्जिद आते हो तो तुम्हारा हर कदम देखा जाता है, उस पर सवाब मिले। सर पर टोपी नहीं थी तो पहले चेहरे पर गाड़ी और
बाद मजीद की जिंदगी में आने वाले इबादत के शौक में और अपने अखलाक की गुस्तगी में अपनी माशरत में तरीके को दाखिल सकते हैं, हम मुहासबा करेंगे तो खातिर का इजाफा नहीं हुआ और उसकी वजह यही एहतसाब की कमी है और हमारे आपस की बातों में मुलाकात मिलने वाले अजर का हिसाब है उसका तजरा का फजाइल के खलकों से नहीं चाहते थे कि उम्मत में आमाल के फजाइल के मुलाकात ज्यादा हो जाए। कि वो उम्मत के सबसे अफजल लोग थे, सबसे अफजल जमात जमीन पर जो आई वो सहाबा थे, उनके दिल साफ थे। पहली सिफत उनकी बयान की कि उनके दिल पाक साफ थे, कुफर से, शिर्क से, निफाक से, हसद से, कीने से, बग़्ज़ से, अदावत से, दुनिया की मोहब्बत से, अपनी बड़ाई से, उनके कुलूब साफ थे। अबर्रहुम कुलूबन व आमकुहुम इल्मन, और उनका इल्म गहरा था, गहरा इल्म रखते थे, अच्छा इल्म था तो इल्म पर अमल करते थे, वो खाली मालूमात नहीं थी, जानते हैं हम भी ऐसा नहीं था, हर आदमी अपने इल्म पर आमिल था और अच्छा इल्म रखता था। इल्म का तकाजा यही है कि उस पर अमल किया जाए, इल्म अमल बढ़ाने के लिए घटाने के लिए नहीं है, इल्म जो है इल्म वो अमल को बढ़ाने के लिए, अमल कम करने के लिए नहीं है। शरीयत का और दीन का इल्म जो है वो अमल को में इजाफे के लिए है, लेकिन इस वक्त देखते हैं जहां मालूमात बढ़ जाती है वहां अमल कम हो जाता है। आदमी को दर्जात का पता चल जाएगा, ये नफल, ये सुन्नत है, ये वाजिब है, ये फर्ज है, बस फर्ज क्या है वो बताओ। अरे इतना जो जावे तो बहुत है, इतना जो जावे तो बहुत है, दुनिया के किसी काम में वो चीज नहीं आती, दस्तरखान पर वो चीज नहीं आती कि भाई इतना खा ले तो बहुत ज्यादा है और क्या खाने का सब। लेकिन आदमी वहां तो तालिब होता है कि ये भी आवे, रोटी भी हो, चावल भी हो, सालन भी हो, सब्जी भी हो, मीठा भी हो, ठंडा भी हो, राजी नहीं होता फिर भी और हो,
और जहां अमल की बात आती है वहां आदमी ये सोचता है भाई इतना जो जाए तो बहुत। कपड़ों की बात आती है तो आदमी को 10 जोड़ी 15 जोड़ी से भी तसल्ली आजकल तो नहीं हो रही। 10 जोड़ी कपड़े आदमी के पास है, 15 जोड़ी है, तसल्ली नहीं है। फिर भी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसको मुख्तसर से मुख्तसर करने का हुक्म दिया था कि कम से कम में आदमी पूरी कर ले ज़रूरतें, बाकी मकसद ज़िंदगी पर आदमी आवे और इबादत की कसरत करे, आमाल की कसरत करे, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में ज़्यादा वक्त गुजारें, तो उसमें आदमी अपनी मालूमात की वजह से कम हो गया तो उसको दर्जे का पता चल गया कि ज़कात तो 2.5% है, 2.5% निकल दे हो गया, 2.5% आपने निकाल दिए। लेकिन अगर आखिरत के अजर का इस्तेहजार है कि 1 रुपये पर 1 के 10 कम अज कम अजर में मिलेंगे और दुनिया में भी अल्लाह उसका बदला देगा, दुनिया में बदला देगा, आखिरत के हिसाब का आदमी को एहतमाम है तो फिर आदमी कोशिश करेगा कि 2.5% पर इक्तिफा नहीं करेगा। वो अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। उनका किस्सा है कि वो तिजारत भी करते थे, इबादत भी करते थे, एक मुद्दत तक करते रहे, फिर उन्होंने देखा कि अब ये तिजारत की मसरूफियत से इबादत में हरज होता है। उनका हरज क्या होता था कि ध्यान बढ़ता है, बाकी नमाजें पढ़ते थे, रात रात भर नमाज पढ़ते थे, फराइज अदा करते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि इबादत वो तिजारत की मशगूली से ध्यान जो है इबादत में इतना जमता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि तिजारत और इबादत दोनों चीज़ें हैं, तो मैंने इबादत को तरजीह दे दी और तिजारत छोड़ दी। और फिर कहते हैं कि अगर मेरी दुकान मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हो, 5 वक्त की नमाज में बाजमात अदा करूँ और रोज़ाना 40 दिरहम मुझे नफ़े में मिले और वो 40 दिरहम में सदका कर दूं, अपने लिए इस्तेमाल ना करूं, उसको सदका कर दूं, फिर भी मुझे ये पसंद नहीं है। सारी इबादत अच्छी तरह करें, जो कमावे हलाल कमाई करें और वो हलाल कमाई को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो किसी ने कहा ऐसी नफ़े की तिजारत भी आपको पसंद नहीं है, तो कहने लगे क़यामत में हिसाब तो देना पड़ेगा, कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया था, ये सवाल तो खड़ा होगा, वहाँ क़यामत में हिसाब तो होगा उसका कि कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया था, कि इसका हिसाब तो सबको देना है। मा तज़ालु क़दम अब्दिन यौम अल-क़ियामति हत्ता युसअल अन 40 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى عن ماله من أين اكتسبه ومن أين انفقه। तीसरा सवाल यह है कि माल कहाँ से लाए थे और कहाँ खर्च किया था, ये सवाल सबसे होगा, सबसे सवाल है। तो इस बात का ध्यान है उनको, इस बात का ध्यान है, तो उस ध्यान ने उनको मुतवज्जह कर दिया कि भाई इसको छोड़ दो, और जिस चीज़ में कोई हिसाब किताब नहीं बल्कि अजर और बदलाई है वो इबादत थी, तो उसको तरजीह दे दी और अपनी ज़िंदगी उसमें लगाई। कि एक ध्यान है ये हर हर आदमी को अपने अमल का ध्यान होता था और आखिरत में उसका बदला है कि इसका बदला मिलने वाला है, इसलिए हर आदमी पूरे इसार के साथ, पूरे इसार के साथ काम करता था, पूरी लगन के साथ काम करता था, पूरी धुन के साथ काम करता था और इल्म की रोशनी में काम करता था। आमकुहुम इल्मन, कि उनका इल्म गहरा था, ये इब्ने मसूद फरमा के इनके पास गहरा इल्म है, और नहीं मालूम है तो बड़ा से बड़ा आदमी पूछने में शर्माता नहीं था, या रसूल अल्लाह इसको कैसे करेंगे, या रसूल अल्लाह इसको कैसे करेंगे। साहबा आपस में भी एक दूसरों से पूछ लेते थे, मसाइल मालूम करते थे कि इसको ये अमल कैसे होगा, ये अमल कैसे होगा, और अगर गलत हो गया हो तो सही मसला मालूम करने के बाद उसको सही कर लेते थे, कि पहले गलत हो गया था अब सही करना है इसको, अड़ नहीं जाते थे अपनी आदत पर, अपनी आदत पर कोई अड़ता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है।
या ठीक है सही तो वो है लेकिन ऐसा ही करूंगा मैं जैसा कर रहा हूं, कि वो दीन के सही इल्म को मालूम करके उस रुख पर अपनी जिंदगी ले जाते थे। वअखल्लुहुम तकल्लुफा, कि तकल्लुफ नहीं था जिंदगी में, तकल्लुफ से जिंदगी खाली है, तकल्लुफ की कोई गुंजाइश नहीं, जो है वो है, कोई तकल्लुफ नहीं किसी किस्म का, ना खाने में पहनने में। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़े मवाक़े ऐसे थे कि आपके जिस्म अतहर पर सिर्फ एक चादर होती थी, कपड़ा ही नहीं है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में फाके हो रहे हैं, खाना नहीं है, कभी बकरी का दूध पी लिया, कभी खजूर खा लिए, पानी पी लिया, खाना नहीं है, इस पर कोई तकल्लुफ नहीं है। आम लोगों के साथ रहे, कोई मेयार नहीं था ऊंचा कि हमारा कोई लेवल है, हमारा कोई स्टेटस कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, कि हम फला फला हैं, ऐसा नहीं था, कोई तकल्लुफ है। जो उमर रजी अल्लाह तआला ने अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं और कुर्ते पर पैबंद लगे हुए, अमीरुल मोमिनीन है। फ़र्क जो है मुआशरे में अमीर और फ़कीर का फ़र्क खर्च करने पर होता था, उस वक्त पता चलता था किसके पास माल ज़्यादा है, कपड़ों से, मकानों से, खाने पीने से नहीं। इसमें लेवल सबका बराबर सराबर था तकरीबन, उनका खाना पीना यकसा था, और तर्ज़ ज़िंदगी जिसको कहते हैं तर्ज़ मुआशरत, वो तकरीबन बराबर से, कि अमीरुल मोमिनीन हैं और पैबंद लगे हुए कपड़े हैं, तर्ज़ मुआशरत यकसा है। पता कहाँ चलता था पैसा ज़्यादा आदमी के पास, जब मौके आते थे राह खुदा में खर्च करने के, तो जो ज़्यादा लेकर आता था उस वक्त पता चलता कि इनके पास ज़्यादा है, इनके पास ज़्यादा है, तो लोगों पर खर्च करते वक्त ये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तबूक के मौके पर आए हैं थे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, क्या लाए हैं, क्या क्या छोड़ा है आपने, उनको ये पूछा हुज़ूर अलैहि सल्लम, क्या छोड़ा है, अल्लाह रसूल का नाम छोड़ के आए, जो कुछ था इतना था वो लेकर आ गया, इससे पहले बहुत कुछ लगा चुके थे। अरे जो अमर आए बहुत सारा लेकर आए, क्या लाए, कि आधा लाया हूँ। एक सहाबी आए कुछ भी नहीं, थोड़ी सी खजूरें लेकर आए और कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, रात भर मजदूरी करके इतनी खजूरें मिली हैं, वो अल्लाह के नाम पर लगाने के लिए लाया हूँ। तो पता चला कि फ़कीर हैं, बाकी तर्ज मुआशरत यकसा है। ये उनसे सीखने की चीज़ है, खुदा ने दो पैसे दिए हैं तो आदमी उसको इसराफ ना करें, मालूम करें भाई इसका मसरफ क्या है, अल्लाह ने पैसा दिया तो मालूम करें कि इन पैसों को लगाने की जगह क्या है। अपनी ज़रूरियात में आदमी 500 के हज़ार खर्च कर दें, इसकी इजाज़त नहीं है, और फिर इसराफ से ऊपर जावे, तबज़ीर पर जावे। इस माल को लगाने के मसरफ अल्लाह ने बताए कुरान में कि माल कहाँ लगेगा, और फिर उन मसारिफ में से कौन सा मसरफ ज़्यादा मुस्तहिक है, हकदार कौन ज़्यादा है, किस जगह लगने से अजर ज़्यादा मिलेगा, माल लगाने की वो जगह है। अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, फुर्सतें दी हैं, तो इन सलाहियतों को फुर्सतों को लगाने की जगह कौन सी है, सलाहियत लगाने और दिमाग खपाने की जगह दुनिया नहीं है। हाँ, ज़रूरत के बकदर आदमी दुनिया पर अपनी अपना दिमाग खपा लें कि भाई जितने बकदर है ज़रूरत खपा कर, बाकी अभी इस दिमागी सलाहियत को आदमी अल्लाह के दीन पर इस्तेमाल करेगा। हज़रत क़ाज़ी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सब ने सुना होगा, हमारे सूबे के बड़े ज़िम्मेदारों में से थे, छोटा भाई को भी जानते होंगे, कानोली के ज़िम्मेदार थे, अभी करीब में इंतकाल हुआ। तो एक मरतबा छोटा भाई कह रहे थे कि क़ाज़ी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह 1948 में तबलीग में लगे थे, वो बम्बई में उस वक्त थे वो, तो क़ाज़ी साहब कहते थे उनको छोटा भाई से एक मरतबा कि मैं 48 में तबलीग में लगा, उस वक्त बम्बई से फिश एक्सपोर्ट करता था और रोज़ाना 100 रुपये कमाता था 1948 में, एक रुपये का तोला सोना होगा शायद उस वक्त 48 में, उस वक्त रोज़ाना रुपया कमाता 100 रुपये कमाता था। फिर मैं ये तबलीग के काम में लगा और
और उनसे कह रहे थे कि जब से इस काम में लगा हूँ मैंने इस दिमाग से दुनिया नहीं सोची है। अल्लाह ने जो ताकत दी सलाहियत सोचने की, और इतनी बड़ी तिजारत करते थे, इतनी बड़ी तिजारत करते थे कि उस दिन से मैंने जब से लगा हूँ इस दिमाग से दुनिया नहीं सोची, दीन को सोचा, दीन के तकाजों को सोचा। तो ये जो निज़ाम चल रहा है, सुबह की जमातें सुबह में जाती हैं, वो उनकी सोची हुई चीज़ है। उन्होंने फिर अली जी के सामने रखा कि हर सुबह की जमात अपने सुबह में चलती है, वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के वहीं फिरते हैं, क्या बेहतर हो कि लोग अपने सुबह से दूसरे सुबह में जाए दीन की मेहनत ले, वरना इसका तसव्वुर ही नहीं था। कोई एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दीन लेकर जाए उसका 60 साल पहले तसव्वुर भी नहीं था कि कोई जाए। अब मखसूस उलमा सफ़र करते थे अपने अपने इलाकों में या दूसरे सूबों में, मुल्कों में। बाकी अमूमी तौर पर इस तरह लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जावे, एक सूबे से दूसरे सूबे में जावे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जावे, दी खालिस दीन की मेहनत को लेकर और दीन की फिक्र को लेकर उसका तसव्वुर नहीं था। अब ये जो नकलो हरकत हो रही है उसमें बड़ा हिस्सा उनका है। तो ये अल्लाह ने ताकत दी है सोचने की। ये थोड़े एक आदमी बाहर चौराहे पर, चौक पर बैठा बैठा किसी की गाड़ी जा रहे तो वो सोचे, किसी की सवारी जा रहे तो वो सोच रहा है, किसी का सामान जा रहा है तो आदमी का दिमाग वो सोच रहा है, बल्कि आदमी गौर व फिक्र करें कि अल्लाह का दीन दुनिया में कैसे जिंदा हो। और मजीद ऊपर फिर आदमी गुनाहों को सोचें, गुनाहों की तदबीर करें। वो तो कुदरत नहीं है गुनाह करने की, ताकत नहीं है, माहौल इजाजत नहीं दे रहा है, वरना अंदर तो बहुत आता है, अंदर तो बहुत आता है, क्योंकि इस फिक्र को गलत रुख पर इस्तेमाल किया है, इसलिए वो अंदर आता है। अगर आदमी नेकी को सोचे, दीन को सोचे, दावत को सोचे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अहिया को सोचे कि दुनिया में हुजूर की सुन्नत जिंदा हो, तो फिर उस रुख के जज्बात बनेंगे। आदमी अपनी सोच और फिक्र के पीछे जाता है, जो फिक्र बन जाती है आदमी, उस आदमी उस फिक्र के पीछे सफर करता है, अब उस फिक्र के ऊपर आदमी अपना माल लगाता है, उस फिक्र पर आदमी अपनी तवानाइयों को सर्फ करता है। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर फिक्र, अंदर की कुड़न, अंदर के जज्बात यही थे कि अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जावे। उनका जीना इसीलिए था, उनका मरना इसीलिए था, हर काम पर यह मुकद्दम था। इसलिए मुख्तलिफ सहाबा के जिंदगियों से ऐसे मुख्तलिफ किस्से मिलेंगे कि दीन और दीन की मेहनत पर उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया, सबसे आगे रखा, सबसे आगे दीन को रखा, अपनी ज़ात पर और अपने माल पर, अपने जज्बात पर, सारी चीज़ों पर ऊपर, सबसे ऊपर दीन है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पूरा माल दीन पर लगाया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना सारा माल दीन पर लगा दिया, शैबे अबी तालिब में फाके किए 3 साल तक, और बड़ी मालदार खातून थी, मक्के में बड़ा नाम था उनका, बड़ी मालदार खातून थी, लेकिन अपना पूरा माल दीन पर लगाया। और फिर मौका आया दीन के खातिर, वो जो शैबे अबी तालिब में गए थे वो कोई अपने गुनाह की वजह से, कोई जुर्म की वजह से नहीं गए थे, उनका गुनाह ये था कि वो मुसलमान थे और इस्लाम का साथ देते थे, इस वजह से उनको वहाँ कैद किया। तो वहाँ फाके किए 3 साल तक, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पूरा माल लगा दिया। हिजरत करके जब जा रहे थे तो उनके पास जो कुछ 35 या 40 हज़ार अशरफ दिरहम थे तो वो लेकर गए, और उनके वालिद भी हयात थे, नाबीना थे, उनकी बेटियाँ थीं, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, अस्मा, ये हज़रत अबू बकर की बेटियाँ। तो उन बेटियों को घर में छोड़ा है, अब्बा को छोड़ा है, और सारा माल लेकर जा रहे अल्लाह के नाम पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ेगी, और घर में कुछ नहीं। तो वो बेटियों ने क्या किया कि जिस तख्ते में वो दिरहम रखते थे वहाँ पत्थर रख दिए और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया कि दादा पूछेंगे कि तुम्हारे अब्बा क्या छोड़ कर गए,
तो दादा का कपड़े पर से हाथ फिरा देंगे कि अब्बा बहुत छोड़कर गए, आप फिक्र मत करना, और अब्बा माल लेकर गए कि दीन दुनिया में जिंदा हो जाए, अपना माल लगाया इसके ऊपर। ये जज्बात है अंदर के कि दीन सबसे ऊपर है, हमारी जरूरतों पर, हमारी हाजतों पर। अभी तो हम चाहतों पर दीन को मुकद्दम नहीं कर रहे हैं, हाजतें तो बहुत दूर की बात, चाहतें जो हमारी हैं कि हमारी चाहतें वो इतनी ज्यादा ऊपर हो गई हैं कि उन चाहतों पर हम अपने दीन को ऊपर नहीं कर रहे हैं। इस मेहनत से चाह जा रहा है कि उम्मत जानो माल को अमानत समझने लगे कि हमारे पास अमानत है, हमारी नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये जो छठा नंबर है हमारे यहाँ तफरीक वक्त और खुरूज फी सबीलिल्लाह से ये चाह जा रहा है कि उम्मत जान और माल के धोखे से निकल जाए, जान माल हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। सहाबा ये समझते थे कि हमारी नहीं है, इसलिए जनाबत का गुसल करने वाला आदमी ने जब आवाज सुनी कि अल्लाह के दीन का तकाजा है तो चला गया, गुसल नहीं किया। हज़रत हंजला का किस्सा है कि गुसल जनाबत कर रहे हैं वो अपने घर में और आवाज आई कि अल्लाह के दीन का तकाजा है तो चल दी आवाज। इब्न उम्मे मक्तूम जा रहे हैं और अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला इतने बुढ़ापे में इतना लंबा सफर कर रहा है और दुआ करके जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ये अल्लाह मुझे मेरे घर वालों तक वापस मत लौटाना, कि मुझे अपने घर वालों तक वापस मत लौटाना, ये तमन्ना है अंदर की। तो उमर रजी अल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, कि अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की मौत देना, शहादत की मौत देना, ये दुआ कर रहे हैं। ऐसे और साहबा के जज्बात देखे अंदर से टटोले, क्या इनके जज्बात, जीने का मकसद क्या था और मौत का मकसद क्या था, क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। एक तो वो है बेईमान है जिसके पास ईमान नहीं है, जिसको आखिरत का इलम ही नहीं है, वो जी रहा है कि उसका मकसद दुनिया बनाना, जमीनें बसाना और इमारतें बनाना, वही मकसद है, और बाकी जिंदगी जिस्म की जो ताकत है उसको अपनी चाहतों पर लगाना, ये उसका मकसद है। लेकिन एक मोमिन का मकसद ये नहीं हो सकता, मोमिन का मकसद मकसद ज़िंदगी अपनी जिस्म की ताकत को अल्लाह की इबादत और इताअत पर सर्व करना और अपने माल को अपनी आखिरत बनाने पर लगाना, ये मोमिन का मकसद है। सहाबा के अंदर के जज्बात ये थे, और तकल्लुफ बिल्कुल नहीं है जिंदगी में, जो है वही है, जैसे अंदर से वैसे बाहर से थे, दो चेहरे नहीं थे कि अंदर कुर्ते के अंदर कुछ और है, कुर्ते के बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन का एक ही फेस होता है, मस्जिद के अंदर भी मोमिन है, बाजार में जाए तो वहां भी वही, ये ना बोले कोई असल में यहां आते इसलिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता, ये मोमिन का बोल नहीं है, वो एक ही है, घर में जावे तो वही है, वो मस्जिद में आवे वही है, तिजारत पर जावे तो वही है, दुनिया के किसी मुल्क में जावे तो वही है, और दुनिया के बड़ी से बड़ी तहजीब और बड़े से बड़े कल्चर वालों के दरमियान में चले जावे तो मोमिन वही का वही है। जैसे सहाबा ने इसका सबूत दिया, वो जहां गए वहां वही थे, वो कैसर के दरबार में गए तो वहां भी वही रहे, वो वही के वही थे कि हम यही हैं, हमारा दूसरा कोई चेहरा नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम यही जानते और कुछ नहीं जानते, हमारा एक ही चेहरा है। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गए, वो उनका एक ही चेहरा था कि हम मोमिन हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह ने हमको भेजा है। और वो अपने आप को कमजोर और अपने आप को वो फकीर नहीं समझते थे कि हम कमजोर हैं, हम फकीर हैं, इसलिए कि उनके वहां ज़ौफ और फकर की अलामत जो है वो माल की कमी और जिस्म की कमजोरी नहीं थी, उनके वहां तो दीन और अकीदे की कमजोरी को फकर समझते थे, इसलिए दुनिया को मिस्कीन समझते थे कि बेचारे मिस्कीन हैं, ये काबिल रहम लोग हैं,
हाँ, कैसर के दरबार में जाए तो उनको काबिल रहम समझ रहे हैं कि काबिल रहम है ये। रुस्तम के दरबार में गए तो उनको काबिल रहम समझ के बिचारे हैं, उनकी दुनिया का असर उनके कुलूब पर नहीं था। और यही सच्चे मोमिन की अलामत है कि दुनिया उसके दिल पर असर न करें, दुनिया इसके दिल पर असर न करें। सच्चा मल्लाह, अच्छा मल्लाह जो ना कश्ती चलाने वाला, वो है कि जो पानी को कश्ती में ना आने दे। अच्छा ड्राइवर कश्ती का, अच्छा मल्लाह वो होगा कि जो पानी को कश्ती में ना आने दे। ऐसे अच्छा मोमिन वो है जो दुनिया को दिल में ना जाने दे, चाहे दुनिया के समंदर में वो रहे, करोड़ों अरबों खरबों में खेले, लेकिन अगर दुनिया अंदर चली गई, 5 रुपए की दुनिया भी अंदर गई, तो ये बर्बाद किए बगैर नहीं छोड़ेगी। ये उसका खुसूसी काम है दुनिया का। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को चौकन्ना किया, बार बार चौकन्ना किया कि देखो ये सरसब्ज़ और शादाब हैं, हरे भरे खेत की तरह हैं, जहां जानवर घुस जाता है तो निकलता नहीं है, फिर वो पीछे से डंडे खाता है। होता है कि चरते 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 किसी का हरा भरा खेत होता है तो चरते चरते उसको पता ही नहीं होता किस तरह वो अंदर दाखिल हो जाता है, और फिर जब मालिक आता है तो पीछे से डंडे बजाता है। तो यहां चरने की लज्जत आती है, पीछे से डंडे पड़ते, बिलाखिर जब बहुत ज्यादा हो जाता फिर भागता है। ऐसे दुनिया सरसब्ज और शादाब हैं, हरी भरी हैं, अच्छों अच्छों को लुभाती हैं, अपनी तरफ माइल करती हैं। सहाबा के दरमियान में ऐसे मुजाकरे थे, वो एक दूसरों को नसीहतें करते थे, इस एक दूसरों को नसीहतें, देखो दुनिया के धोखे से बचे रहना, माल के धोखे से बचे रहना, कुर्सी के धोखे से बचे रहना, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह की रजा का एहतमाम करना, ऐसी नसीहतें होती थी सहाबा की आपस में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चौकन्ना किया अपनी उम्मत को, अपनी औलाद को चौकन्ना किया, उनको अपनी हयाती में भी ज्यादा नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर, जब भी आपके पास माल दौलत आई तो आपने अपने करीबी लोगों को बहुत कम दिया, बहुत कम दिया, जो आपसे ज्यादा करीब थे रिश्ते में। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी आप, सबसे ज्यादा मोहब्बत, और सबसे ज्यादा फख्र की जिंदगी हज़रत फातिमा ने गुजारी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से आपके साथ थे, बड़े महबूब थे आपके, आपने बेटी दी उनको, अपनी बेटी दी, लेकिन फुकराए सहाबा में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा फकीर रहे। हालांकि आपके दामाद हैं, इमामुल अंबिया के दामाद हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत माल आता था। ऐसा नहीं था कि आपके पास माल पैसा था नहीं, आपके पास बहुत आया माल, लेकिन आपने रखा नहीं उसको, और बेटी को ज्यादा नहीं दिया। बेटी के घर में फाके होते थे, कई मरतबा के किस्से ऐसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो लुक में भेज रहे हैं और कह रहे कि जाओ मेरी बेटी के वहां 3 दिन से फाका है, उसके यहाँ थोड़ा सा दे दो। आप जानते थे कि ये कोई कमाल की चीज नहीं है, कमाल ये है कि बेटी अपने दीन पर हो, अपनी इबादत हो। हाँ, अपनी बेटी से कह रहे कि फातिमा कब्र में हसब नसब नहीं चलेगा, वहां तो अमल देखा जाएगा कि कैसा अमल लेकर आए। सही सही बात कह रहे हैं कि देखो वहां हसब नसब नहीं चलेगा, कि ये एक जहन है, ये एक फिक्र है। हम सोचे अपना मुहासबा करें, क्या हम इस फिक्र पर हैं या और किसी फिक्र पर हैं? हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है? उनके वहां ये फिक्र है कि अमल मजबूत हो, दीन मजबूत हो, ईमान अच्छा हो, अल्लाह से ताल्लुक हो, अपनी जिम्मेदारियों पर कायम हो, कि हमारी औलादें जिम्मेदारियों पर कायम हो, दीनी जिम्मेदारियों पर कायम रहे, ये अंदर की फिक्र है, ये एक माहौल। इसलिए हिकायत सहाबा पढ़ी सुनाई जा रही है, हिकायत सहाबा जो पढ़ी जा रही है सुनाई जा रही है, इसका मकसद ये था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए लिखवाया था ये कि उम्मत में ये जिंदगी राइज हो जावे कि जिसमें ईमान की कुव्वत, अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा, अल्लाह के दीन पर अपनी जान और माल लगाने के जज्बात उम्मत के पैदा हो जाए, लोगों में इसको पढ़ा जाए, घंटों भर पढ़ा जाए, हाँ घंटों भर पढ़ा जाए, घंटों भर सुना जाए,
इस वक्त आम नहीं, हम जैसे लोगों का ये तसव्वुर हो गया दीन की निस्बत पर कि यार मुख्तसर बयान होना चाहिए, तालीम थोड़ी सी होनी चाहिए, तालीम थोड़ी देर होनी चाहिए। हाँ, हम लोग सोचें इसको कि जो ये कलिमात हमारे हैं कि बहुत लंबी लंबा बयान होता है, बहुत बहुत लंबी तालीम होती है, जो हमारी गिजा है, जो हमारी गिजा है, जो हमारी खुराक है, हुदूर अलैहिस्सलाम के यहाँ चाहे आपके खुतबात लंबे नहीं हैं लेकिन आपकी तालीम तालुम की जो मजलिसें हैं, जैसे दार अरकम में आप बैठते थे घंटों भर बैठते थे, और मदीना मुनव्वरा में आप फजर की नमाज के बाद से अपने सहाबा के साथ बैठते थे तो सूरज चढ़ जाता था वहां तक आप बैठते थे, दो चार जानू होकर बैठते थे, फजर की नमाज के बाद चार जानू होकर आप मजमे की तरफ मुड़ जाते थे और सहाबा की और आपकी मजलिस लगती थी, उसमें ऐसी बातें होती थी आखिरत की, ईमान की, आमाल की, अखलाक की, राह खुदा में जान माल लगाने। फिर मजमे से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो ख्वाब की ताबीर पूछ लेता था, या और कोई मौका आता वो पूछ लेता, और कभी कभार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बाप दादा का तज़किरा, जाहिलियत के ज़माने की बाज़े बाज़े आती थी सामने, वो चीज़ें होती थी। ये मजलिसें आपकी घंटों भर होती थी। हम लोग इस्तिदलाल लाते हैं कि हुजूर के खुतबात बहुत लंबे नहीं है, सिर्फ एक ही खुतबा है आपका जो आपने लंबा दिया है, बाकी आपकी रोज़मर्रा की जो मजलिसें थी आपकी वो घंटों भर होती थी, और उसमें सहाबा आपके साथ होते थे, पूरी लगन से, पूरी धुन और तवज्जो से आपकी बातों को सुनते थे, और वही सुनते थे, और आप अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि यही सुने, यही पढ़ें। एक मरतबा है तो उमर रजी अल्लाह तआला के हाथ में तौरात का नुस्खा देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तौरात एक किताब है ना आसमानी चार किताबों में, तौरात का नुस्खा देखा, पूछा कि क्या है, तो है तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह तौरात, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया और आपने कहा क्या तुम्हारे लिए कुरान काफी नहीं है, क्या तुम्हारे लिए कुरान काफी नहीं है, क्या आप चाहते थे कि ये कुरान का इल्म ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातों को सुने और यही जज्बात बने, यही जज्बात बने। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तो मस्जिद की तालीम डेढ़ घंटा कहते कि डेढ़ घंटा मस्जिद में रोज़ाना तालीम हो जिसमें फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल कुरान, हिकायत सहाबा, फ़ज़ाइल तबलीग, पस्ती का वाहिद इलाज, फ़ज़ाइल सदक़ात, इन सब किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए और लोग आकर इसको अपनी ज़रूरत समझ कर बैठें कि हमारी ज़रूरत है, ये हमारी खुराक है, इससे हमारे जज्बात बने रहेंगे। अखबार पढ़ने वालों से पूछें, ईमानदारी से पूछें उनसे कि वो कितनी देर अखबार देखते हैं, टीवी और दीगर जराए के जरिए से मुल्क की हालात की खबर रखने वालों से पूछें कि वो कितनी देर दे, ईमानदारी से पूछें उनसे, और सोशल जराए के जरिए से सोशल मीडिया से बने रहने वालों से पूछें कि आपका वक्त अपने सोशल जराए पर कितना लगता है, जो आखिरत हमारी बुनियाद है, जो दीन हमारा असासा है, जिसके लिए हमको पैदा किया गया है, जो हमारा मकसद ज़िंदगी है, उस दीन को सीखने सिखाने में, उस दीन के इल्म के हासिल करने में, और इस उस दीन की दावत और उसकी इशात में हम सोचें कि हमारा कितना वक्त लगा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के 2400 घंटे जो हैं वो कभी इबादत में हैं, कभी तिलावत में हैं, कभी दावत में हैं, कभी अपने मेहमानों की खिदमत में हैं, कभी अपने घर वालों का हक अदा करने में हैं। यही मामूल सहाबा का था, यही मामूल था, लायानी की गुंजाइश नहीं थी, होटलबाजी की गुंजाइश नहीं थी, वहाँ मदीने में कोई होटल नहीं थी, कोई होटल नहीं है, कोई मेहमान है तो वो हुजूर के घर का मेहमान है या किसी सहाबी के घर के मेहमान है, रास्तों पर, चौराहों पर, चौकों पर। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि तुम रास्ते पर मत बैठा करो, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो अपने कारोबार तिजारत की वजह से बैठते हैं, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह दुकानें और ऑफिसें तो थी नहीं, जैसे छोटे देहातों में जाते हैं तो हाट बाज़ार लगता है, रास्ते के किनारे इधर दुकानें लग गई, इधर इस तरह से मदीने में बाज़ार लगता था, तो हुजूर ने कहा कि बाज़ार में मत बैठा करो, तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ज़रूरत की वजह से जाते हैं, कारोबार करते हैं, तो हुजूर ने कहा अगर तुम ज़रूरत की वजह से जा रहे हो ठीक है, लेकिन रास्ते का हक अदा करो,
साहबा ने पूछा रसूल अल्लाह रास्ते का क्या हक है, कहा रास्ते की एक तरफ रहो, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाओ और लोगों को सलाम करो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो कि बाजार में कोई गलत काम हो रहा हो रोको उसको और लोगों को अच्छे काम की दावत दो और कोई भूला हुआ मुसाफिर मिले तो उसको रास्ता बता दो, ये हक बता दिए। तिजारत के अलावा वो बाजार में नहीं थे और उनके तिजारत में भी अल्लाह गवाही दे रहा है कुरान में कि उनकी तिजारत उनकी खरीदो फरोख उनको अल्लाह के जिक्र से और उनको नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं करती है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलात व ईताइज़्ज़कात, कि उनकी तिजारत उनकी खरीदो फरोख उनको नमाज से गाफिल नहीं करती थी। मस्जिद आकर बाजमात नमाज अदा करते थे, मस्जिद आते थे बाजमात पढ़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे, आपके बाद खुलफाए राशिदीन के पीछे आकर नमाज पढ़ते थे और नमाज का हक अदा करते थे। हाँ, नमाज का हक अदा करते थे, फिर जाकर अपनी तिजारत कर लेते थे, नमाज का वक्त होता नमाज में आ जाते थे, इत्मीनान के साथ पढ़ते थे। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है, हुजूर की जो नमाज है उसमें जो मसनून किराते हैं जो तिवाले मुफस्सर और औसात मुफस्सल और किसार मुफस्सल, ये जो मसनून किराते हैं उसकी मकदार हम देखें, उसमें उसकी मकदार क्या है, उस मकदार के रियायत के साथ नमाज होती थी और रुकू सजदे इत्मीनान से होते थे, रुकू सजदे इत्मीनान। अभी इस वक्त हम क्या कहें इसको कि हम जैसे लोग ऐसी मस्जिद तलाश करते हैं कि जहां जल्दी नमाज हो जाए, फजाइल नमाज में इतने नमाज के फजाइल सुनने के बाद नमाज में ध्यान इस्तेहजार खुशू खुजू तूल रकात का अजर वो सारी चीजें सुनने के बाद भी ऐसी मस्जिद तलाश करते हैं जहां नमाज जल्दी पूरी हो जाए। अगर कहीं 8 मिनट में हो रही है और उसके मुकाबले में 6 मिनट वाली नमाज कहीं है तो आदमी वहां जाता है कि भाई यहां 6 मिनट में पूरी हो जाएगी, और अपनी जरूरतों के लिए आदमी वहां जाता है जहां अच्छी जरूरत पूरी होती हो। चाय पीने के लिए आदमी 10 किलोमीटर तक जाता है यहां से चाय पीने के लिए, 10 किलोमीटर 10 मिनट 12 मिनट जाने के 12-15 मिनट आने के, और फिर वहां गए तो आधा घंटा वहां का उसमें चाय पी लेता है, और अल्लाह का इतना बड़ा फरीजा नमाज जैसा उसके लिए आदमी ऐसी जगह तला के भाई जल्दी से बाहर आओ। मस्जिद तो ठहरने के लिए, बाहर आने के लिए थोड़ा है, मस्जिद तो ठहरने की जगह ईमान वालों के लिए। इन नमा यामुरु मसाजिदल्लाही मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घरों को मस्जिदों को वो लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। मस्जिद तो करार की जगह है, भागने की जगह थोड़ी है। मस्जिद में आदमी ठहरेगा कि अल्लाह का घर है, नमाज से पहले इंतजार सलात में है, इंतजार उस सलात फिस सलात हदीस में आता है कि नमाज के इंतजार में ठहरने वाला भी नमाज में है, उसको नमाज का अजर मिल रहा है। और नमाज के बाद ठहरने वाले के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब तक आदमी नमाज के बाद मस्जिद में बैठा रहता है, जिक्र करता है या खामोश बैठा रहता है तो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, लेकिन जब वो बातचीत शुरू कर देता है तो फिर वो फरिश्ता उसकी दुआ बंद कर देता है। ये नमाज के फजाइल के रास्ते से मतलूब हैं कि हम जी लगाकर रगबत के साथ अल्लाह के घर में आएं, अपने कारोबार को छोड़कर आएंगे इसीलिए कि भाई नमाज के लिए जा, नमाज एक काम है, खाना एक काम है, तो एक घंटे के आदमी छुट्टी लेता है कारोबार से, एक घंटे की दोपहर में छुट्टी लेता है कि भाई मुझे खाना जाना है, और जिसका दोपहर में आराम का मामूल है तो आराम एक काम है उसका, उसके लिए मजीद एक घंटे की छुट्टी लेता है भाइयों से नौकर से, भाई 2 घंटे में खाना खाऊंगा आराम करूंगा फिर आऊंगा, उसकी तिजारत का हरज नहीं होता, उसकी तिजारत का हरज नहीं है जो 2 घंटे खाने और आराम के लिए घर जा रहा है। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट नमाज क्या है कि भाई असल में क्या है मेरी दुकान है और ग्राहक बहुत होते हैं इसलिए मैं जल्दी पढ़ के भागता हूं। तो नमाज को खाने की जितनी भी अहमियत नहीं दी है, जो फरीजा है, जो मकसद जिंदगी है, जिस नमाज के लिए खुदा ने वजूद दिया है
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حلال مال کے عنوان سے ایک رسالہ ہے ان کا، اس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کو بقدر کفاف روزی میسر ہو، یعنی جن کا گزارا ہو جاتا ہو اتنی روزی ان کے پاس ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو تجارت میں لگنے کے بجائے عبادت میں لگنا افضل ہے۔ نماز تو فرض ہے، اس سے اوپر اب مزید زندگی کو کہاں لگاویں؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مشورہ دے رہے ہیں، ایسے لوگ بجائے تجارت کاروبار اور دھندا کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگ عبادت میں لگے رہے، اس لیے کہ ان کے پاس روزی روٹی ہے۔ ہاں، جس کے پاس روزی روٹی نہیں ہے کھانے کا، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں اور فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ اب ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور مہینے میں 25,000 کی ضرورت ہے، 50,000 کما رہا ہے، وہ آدمی بھی جو ہے دوڑ بھاگ میں ہے نماز میں، کبھی جماعت ترک ہو گئی، کبھی پوری نماز چلی گئی، کبھی قضا ہو گئی۔ جو نماز تو اصل اساس ہے ہماری، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے کہ کسی حال میں ترک نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی سلام پھیر کر پیچھے دیکھا، ایک آدمی نظر نہیں آئے تو سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے، جا کر دستخطی معلوم کیا، ان کی والدہ نے جواب دیا، پہنچ کر کہا کہ سلیمان کہاں ہے، نظر نہیں آئے فجر کی نماز میں، تو کہا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہا تو صبح اس کی آنکھ لگ گئی اور مسجد نہیں آ سکے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی 2 رکعت فرض اور رات بھر کی نفلوں سے افضل ہے۔ یعنی نماز پڑھیے رات بھر، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فجر میں آنا چاہیے، وہ زیادہ افضل ہے بجائے رات کی نفلوں کے، تو پھر ہمارا آپ کا کیا ہوگا جو 12 بجے تک 1 بجے تک چوکوں پر، چوراہوں پر، بیٹھکوں پر، دکانوں پر اور لایانی کی مجلسوں محفلوں میں جا کر فجر کی نماز ہماری آگے پیچھے ہو جائے۔ محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اعمال پر آوے، اور وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تھے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حضور والی نماز کی دعوت دیں گے، چاہے ہم پڑھتے نہیں ہیں اس وقت وہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے، لیکن ہم دعوت اسی کی دیں گے، اس لیے کہ وہی نماز اصل ہے جو آپ نے پڑھی ہے اور وہی قابل قبول ہیں۔ ورنہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ نمازیں جو حضور کے طریقے پر نہیں ہیں، جس میں اور وہ اس کے شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ نماز سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر نماز خراب ہوئی ہے وہ نماز بد دعا دے کر جاتی ہیں، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، تو نے مجھے برباد کیا۔ کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی نماز کی بد دعا لے رہا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ نماز کی رغبت نہیں اندر، ذرا سی دیر ہو گئی تو باہر 2-4 یار آج رکوع بہت لمبا کیا، شاید مولوی صاحب کو دھیان نہیں تھا، آج پہلی رکعت لمبی ہو گئی، اور باقی دنیا بھر میں آدمی گھنٹوں ضائع کرتے۔ اس لیے نماز کے فضائل کو گھنٹوں پر سنیں گے تاکہ ان فرائض کے علاوہ بھی لمبی لمبی نفلوں کا شوق پیدا ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کے ساتھ ہو لوں، تو میں نے پیچھے سے رکعت باندھ دی، آپ کے ساتھ ہو گیا نفل نماز میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، تو میں سمجھا کہ سورہ بقرہ پر رکوع کر دیں گے پوری کر کے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پوری کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی، میں سمجھا یہ پوری کر کے رکوع کریں گے، آپ نے وہ پوری کر کے سورہ مائدہ شروع کر دی اور اس کے اختتام پر رکوع کیا، اور اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا قیام کیا تھا، اتنا لمبا رکوع کیا آپ نے۔ یہ سنیں گے تو کم از کم اطمینان سے 10 منٹ کی پڑھنے کی تو توفیق ہو جائے گی، اور رغبت ہوگی کہ بھائی جہاں صحیح نماز ہو رہی ہو، سنت کے مطابق نماز ہو رہی ہو، قراءت سنت کے مطابق ہو رہی ہو، وہاں جا کر پڑھیں۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کسی جگہ پر کہ یہ جو سورہ حجرات سے لے کر اخیر تک کی جو قراءتیں ہیں وہ سنت ہیں، اور اسی مقدار سے قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لے وہ بھی سنت ہے،
लेकिन हुजूरात से आखिर तक पढ़ने में दो सुन्नतों का सवाब मिलेगा, एक तो मिकदार किरात का और वो तायीन के साथ उन किरातों का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, तो डबल सवाब उसमें मिलेगा। तो आदमी इसकी कोशिश करेगा कि भाई सुन्नत के मुताबिक नमाज हो और हम ऐसी जगह नमाज पढ़े जहाँ सुन्नत के मुताबिक नमाज हो रही हो, उसकी डिमांड बढ़े बाहर मार्केट में, जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ते, भाई फला जगह चाय अच्छी बन रही है तो लोग 2 किलोमीटर से वहाँ चाय पीने जा रहे हैं, भाई आपके मोहल्ले में भी होटल नहीं, चाय वहाँ अच्छी बनती है। अगर घटिया चाय बना रहे कोई 5 किलोमीटर पर तो उसके मोहल्ले का भी बाहर से तो क्या कोई जाएगा, मोहल्ले से कोई नहीं आएगा। और हल्की नमाज हो रही है 10 किलोमीटर पर तो लोग हल्की नमाज पढ़ने वहां जा रहे हैं कि तरावी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, आधे घंटे में 20 रकात हैं और यहां से मजमा जा रहा है बाइकें लेकर कारें लेकर, ठीक है वो नौजवान लड़के आम जाहिल जो नहीं पढ़ रहे हो जा रहे, लेकिन मेरे आप जैसे 4-4 महीने लगाए चिल्ले लगाए हैं घंटों भर फजाइल के हलकों में नमाज के, उसके ध्यान के और उसके सिफत एहसान के फजाइल सुने हैं, नमाज के रुकू सजदों के लंबा होने के फजाइल सुने हैं, और उसके बाद ऐसी जगहों को जाकर आबाद करें और नमाज जैसी अहम तरीन इबादत जिसके बारे में है, तो अमर खत लिख रहे हैं अपने उम्मालों और गवर्नरों को कि मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा मोहतम भी शान चीज नमाज है। गवर्नरों को खत लिख रहे, सहाबा को खत लिख कर कह रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं ऐसी मोहतम भी शान चीज का मजाक उड़ा दें, 20 रकात में 20 मिनट में 20 रकातें हो रही है, 25 मिनट में 20 रकातें पूरी हो रही है। तरावी तो रमजान की रातों को जागकर अल्लाह के सामने इबादत के वास्ते थी, कि तरावी इसलिए है कि रमजान की रातों का ज्यादा हिस्सा नमाज में इबादत में गुजर जाए, इसलिए जरूरत है हमको, मुझे और आपको कि हम फजाइल के हलकों में घंटों भर बैठें और इनफिरादी अवकात में फजाइल का मुताला करें, बजाय सोशल मीडिया पर रहने के और बजाय अखबार के और बजाय होटलबाजी के अपने घर के कोने में या मस्जिद में बैठकर फजाइल नमाज को पढ़ें, फजाइल जिक्र को पढ़ें, फजाइल कुरान को पढ़ें कि कुरान और उसके फजाइल क्या है, उसकी तिलावत के, उसकी तस्हीह के, उसकी तजवीद और तरतील के, और उसको याद करने के सूरह यासीन के क्या फजाइल हैं, सूरह वाकिया के क्या फजाइल हैं, सूरह मुल्क के क्या फजाइल हैं, कुरान से अल्लाह क्या चाह रहा है, फजाइल तबलीग को पढ़ें, मुताला करें कि तबलीग में क्या लिखा गया है, तबलीग का क्या हक है, अमर बिल मारूफ और नहि मुनकर का क्या दर्जा है, ताकि वो सूझबूझ पैदा हो और वो रग़बतें पैदा होकर हमारे आमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के आमाल से मेल खा जाए और जज्बात में और ज्यादा बुलंदी आवे, कि रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद आदमी ये सोचे अब 2-3 घंटे आराम करके फिर अब 1-1.5 घंटे पहले जाग जाऊंगा, 2 घंटे पहले जाग जाऊंगा, ताकि इत्मीनान से तहज्जुद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ते थे, ताकि तहज्जुद में 2-4 के बजाय मैं पूरी 8 रकात पढ़ सकूं, 8 रकात पूरी पढ़ लूं, इसलिए 1.5 घंटा पहले आदमी उठ गया कि आधा घंटा सहरी में जाएगा, 1 घंटे में 8 रकात पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे, ये जज्बात उस वक्त पैदा, वरना हम वही सुन रहे हैं वही देख रहे हैं तो वही जज्बात पैदा होंगे फिर। इसलिए ये तबलीग का जो निज़ाम है वो इसके लिए है, मकामी मेहनत का, बैरूनी नकलों के, आदमी 8 महीने 9 महीने 10 महीने इस माहौल में रहता है आदमी का मिजाज बदल जाए, 4 महीने जाकर आता है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने तकबीर उला के साथ सफ़े उला में तालीम में आ गए हैं, मशवरे में सबसे आगे हैं, हफ्तावारी इज्तिमा में असर से आ रहा है, लेकिन जैसे 2-3-4 महीने गुजरते हैं बाहर का माहौल आदमी पर असर करता है, वही आदमी 2री 3री 4थी 5वीं सफ़ में होकर अखीर हो जाता है। एक साथी मुझे सुना रहे थे कि जब मेरे 10 महीने से ऊपर वक्त घर में गुजर जाता है तो मेरी बीवी मुझे याद दिलाती है कि आपका चिल्ले का वक्त हो गया है, अब आपको चिल्ले की तरतीब बनानी चाहिए। तो मैंने उसको पूछा कि तुझे कैसे पता चलता है कि मेरा वक्त हो गया, तो वो बीवी सुनाती है कि जब आपके 10-1 महीने हो जाते हैं तो तुम्हारा मिजाज बदल जाता है, जमात में से जाकर आते हो तो 8-10 महीने जो है नरमी होती हैं, तवाज़ू होती हैं, आजीज़ी होती हैं, आमाल की पाबंदी करते हो, लेकिन इतने महीने से ऊपर वक्त हो जाता है तो फिर तुम्हारा सब बदल जाता है। ये हमारे ज़माने के हमारी बीमारियों का इलाज है, हर ज़माने में अल्लाह पाक
अपने बंदों की बीमारियों से मुताबिक उनका इलाज उतारता है अपने नेक बंदों पर। तो ये हमारा इलाज है कि कम से कम साल में चिल्ला लग जावे, अल्लाह तौफीक दे 4 महीने लगावे कि कुर्बानी से मजीद आगे बढ़े, महीना 27 दिन हो जावे 3 दिन अपनी फिक्र से लगा ले। ये चार्जिंग है, चार्जिंग कि जो जौफ आएगा वो दूर हो जाएगा। 3 दिन यक्षु हो जाए, 72 घंटे मस्जिद वाले माहौल में रोजाना सुबह शाम घंटों पर तालीम सुनेंगे, जिक्र करेंगे, दुआ मांगेंगे, दावत देंगे, तो अंदर की गफलत दूर होगी। वरना माहौल में बड़ा फसाद है, माहौल में बड़ा फसाद है। जैसे पॉल्यूशन होता है ना किसी जगह, फैक्ट्रियां चलती हैं, कंपनियां चलती हैं, तो उसका धुआं आता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो उसका पॉल्यूशन होता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये जो गुनाहों का पॉल्यूशन है, जो गुनाहों का पॉल्यूशन है, कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, जिना है, झूठ है, सूद है, इसका उससे ज्यादा खतरनाक पॉल्यूशन होता है। वो लोगों के दिलों पर असर करता है, दिलों पर वो असर करता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे 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 मदीने की मुआशरत से, मदीने की मुआशरत में से, यानी जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हुए, उन्होंने तो गुनाह छोड़ दिए, लेकिन एक तबका यहूदियों का वहां आबाद था, तो वो सारे काम कर रहे थे अपने माशरे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे उनको मदीने से बाहर किया और अपने माशरे को इन जराइम से पाक किया। और फिर अपने आखिरी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतुल अरब, के जजीरतुल अरब से इनको बाहर करो। वो उनके इन जराइम की वजह से था, उनकी जात से कोई अदावत नहीं थी, उनकी जात से कोई अदावत नहीं थी। हुजूर ने तो बारहा कोशिश की और अल्लाह ने आसमान से उतारा कि इनको डबल अजर मिलेगा अगर ये इस्लाम कबूल करके अपने सही अमलों पर आ जाते हैं, तो इनको डबल अजर मिलेगा। उनकी जात से कोई अदावत नहीं थी, उनके कामों से, उनके कामों से, कामों की वजह से हुजूर फरमा रहे हैं कि इनके काम अच्छे नहीं है, इनको बाहर करो ताकि ये मुआशरे में फसाद न फैले। अब हमारा हाल देखे कि हमारे मुआशरे का क्या हाल है बाहर। तो इन फिजाओं में, इन फिजाओं में जो दिल पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर, क्या अच्छा खासा आदमी बाज़े मरतबा ऐसा बेकाबू होता है कि लगता है ली नहीं कि ये वही आदमी है जो था पहले, कोई तसव्वुर नहीं कि वही आदमी है जो पहले था, इतना बेकाबू होता है। वो उन गुनाहों के फसाद का असर होता है। इसलिए मस्जिद की जमात के जरिए से एक माहौल तैयार किया गया कि मस्जिद की जमात बने जो सुबह फिक्र कर रही हो, उम्मत में दीन जिंदा हो इसकी, और तालीम का हल्का लगकर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अजवाज मुतहरात बनाते तय्यबात अशर मुबशरा और मुहाजिरीन और अंसार अहले बदर अहले उहद के किस्से पढ़े जावे ताकि जज्बात उस रुख के बने। कुरान के तिलावत के फजाइल, जिक्र के फजाइल, तबलीग के फजाइल, अमर बिल मारूफ नहि अनिल मुनकर के फजाइल, और माल खर्च करने के फजाइल, और गरीब परवरी, और यतीमों और बेवाओं पर खर्च करने के फजाइल, और सहाबा के इस नौयत के वाकियात और बुजुर्गों के वाकियात सुनाकर इन तालीम के हलकों के जरिए से जहन हमवार किया जावे और जो फिजा में वो तकद्दुर हैं उसको ख़त्म किया जावे। यही तालीम घर में कायम करके अपने बच्चों बच्चियों की जहन साजी की जावे। तालीम सिर्फ वजीफे के तौर पर नहीं है कि बिला वजीफा होता है आदमी का, कोई 2 सफ़े का, 3 सफ़े का, किसी का 4 सफ़े का, और बाज़ों का 25-50 सफ़े की किताब होती है वजीफे की, कि सुबह या शाम किसी वक्त वो किताब किसी भी तरह पूरी करनी, उसको समझे या ना समझे। तालीम एक तामीर है, तालीम एक तामीर है। जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कोचिंग क्लासेस में, ट्यूशन क्लासेस में, साइंस और मैथ्स पढ़ाए के समझाया जाता है, उसको अंदर उतारा जाता है, ऐसे ये तालीम जो है वो दीन को, हुजूर और सहाबा और सहाबियात की मुबारक जिंदगी को अंदर जिंदगियों में उतारने के लिए। इसलिए घर के माहौल में रोजाना आधा घंटा अपने घर वालों को देकर उसमें इन किताबों को पढ़ें और जज्बात बनावे, उनके जज्बात उनके बनावे, ईमान के, आमाल के, अखराक के, सादगी के, हया के, तकवे के, कि तालीम जिस घर में हो रही है उस घर के बच्चों में तकवा पैदा हो रहा है, कि वो नज़र झुका रहे, उस घर की बच्चियों में हया पैदा हो रही है, कि वो बच्चियाँ अपने आप पर्दा कर रही हैं, उस घर के बच्चों में सच्चाई का जज्बा बन रहा है कि सच बोल रहे हैं, अमानतदारी में हैं, दयानतदारी कर रहे हैं, उस घर के बच्चों में माँ बाप की फरमाबरदारी का जज्बा पैदा हो रहा है कि ये घर के बच्चे फरमाबरदार हैं, वो तालीम का ये असर है। उस घर के बच्चों में कुरान सीखने सिखाने का ज़ौक बन रहा है,
और एक मुबारक ज़िंदगी को वजूद मिल रहा है, इसके लिए घरों में तालीम की ताकीद की कि घरों में तालीम करें, लेकर बैठे उनको एक अच्छी फिजा में, एक अच्छे माहौल में, और तरबियत का एक निज़ाम कायम, तरबियत का एक निज़ाम कायम हो कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो, सुन्नत वाली ज़िंदगी घर में राइज हो, सुन्नत वाली ज़िंदगी वही एक मेयार हमारे पास, सुन्नत व खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह खुशी गमी सुन्नत के मुताबिक, चाहत के मुताबिक ना हो। जैसे नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश है, ऐसे शादी भी सुन्नत के मुताबिक, वो तालीम से जज्बात बनेंगे बच्चों के बच्चियों के, उनकी तरफ से फिर डिमांड होगी कि हमको कोई ज़्यादा टिप टाप नहीं करनी, उनकी तरफ से डिमांड होगी, वो पसंद नहीं करेंगे। जब ये ज़िंदगी वजूद में आएगी तो फिर अल्लाह की रहमतें बरकतें उन घरों पर उतरेगी। हम समझते हैं घरों की दरो दीवार की तामीर कर दें, उस पर रंग रोगन चढ़ा दें और फर्नीचर ला के घर में रख दें, घर आबाद हो गया। ऐसे हज़ारों घर वीरान आपको मिलेंगे जहाँ फर्नीचर खूब हैं, रंग रोगन से दीवारों को मुजयन किया हुआ है और बड़े बड़े बंगले बने, लेकिन वो वीरान पड़े हुए हैं, उसमें रहने वाले मौजूद हैं, न रहने की वजह से वीरान नहीं है, उसमें रहने वाले मौजूद हैं लेकिन वो घर वीरान है। जैसे उसमें आता है ना हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दिल वीरान है जिसमें जिसमें कुरान का कोई हिस्सा ना हो, ऐसे वो घर वीरान है जिसमें दीन नहीं है, जिसमें ईमान नहीं है, जिसमें इबादत नहीं है, जिसमें तकवा नहीं है, जिस घर में इल्म की कोई बात नहीं है, चाहे वो फर्नीचरों से और रंग रोगन से दीवारें मुजयन हैं, बाकी वो घर वीरान है। आसमान वालों के वहाँ तो वो घर चमकते हैं जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। हदीस में आता है कि जैसे ज़मीन वाले आसमान के सितारे चमकते देख रहे हैं, ऐसे आसमान वाले ज़मीन के उन घरों को चमकता हुआ देखते हैं जहाँ अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। हमारी कोशिश ये हो कि घर के माहौल में हम ये फिज़ा हमवार करें, लेकर बैठें घर वालों को, लेकर बैठें अपने मिजाज में भी हम तब्दीली लावें, अपने मिजाज में तब्दीली लाकर नरमी से मोहब्बत के साथ उनके साथ बैठकर, ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, तालीम के रास्ते से बहुत कुछ सुना सकते हैं, बहुत कुछ सुना सकते हैं घर के माहौल में तालीम, और ये तालीम घर घर में हो। दीन जो है, दीन दीन का जो ताल्लुक है वो सीखने सिखाने से है, सुनना सुनाना उसकी इब्तिदा है। अभी हमने सुनने सुनाने पर इक्तिफा किया है, इसलिए कोई बयान मोबाइल में भी सुन लेता है तो उससे राजी है वो कि भाई ठीक है, कुछ लाया नहीं करे, उससे बेहतर है बयान सुन ले, लेकिन वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। दीन का ताल्लुक सीखने सिखाने से, नमाज सीखने सिखाने से मुताल्लिक है। ऐसे दीगर जो आमाल हैं वो अमली जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्लाह की तरफ अल्लाह की रहबरी से सीखा और उसको आपने अपनी उम्मत को सिखाया है, सिर्फ सुनाया नहीं है। सुनाना वो सिखाने की शुरुआत है, इब्तिदा होती है सुनाने से कि इस तरह से है, फिर उसका अमल है उसको कैसे किया जावे। सीखने सिखाने का रिवाज होना चाहिए घरों में कि तालीम के रास्ते से हम बच्चों को सब्र सिखा रहे हैं, तकवा सिखा रहे हैं, ईमान सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, माँ बाप की खिदमत और उनका अदब व एहतराम सिखाया जा रहा है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास इसका कुछ मलका होगा, वो मलका पैदा होगा राह खुदा में निकल कर, चार चार महीने लगा करके, चार चार महीने लग रहे हैं, चिल्ले लग रहे हैं, उसमें निकल कर राह खुदा में मलका पैदा होगा, अंदर फिक्र भी बनेगी और अमली तौर पर आदमी सीखने और सिखाने का एक मलका पैदा होगा, फिर आने के बाद आदमी अपने बच्चों को सिखाएगा, नवासों को सिखाएगा, पोतों को सिखाएगा। अभी हमने सिर्फ 10-15 मसनून दुआओं पर इक्तिफा करके, दीनदार से दीनदार घराना हमारा है तो वहाँ पर क्या है कि हमारे बच्चों को 10 दुआएँ याद हैं और वो इतनी सूरतें याद हैं, उससे बहुत ऊपर चले गए भाई हमारा बच्चा हाफिज है। लेकिन अमली ज़िंदगी में सुन्नत, अमली ज़िंदगी में सुन्नत, मुआशरत में सुन्नत का तरीक़ा, इसकी ज़रूरत। ये तालीम जब घरों में होगी तो इंशाल्लाह मुआशरत में सुन्नत ज़िंदा होगी, सादगी आएगी, हया आएगी, वो हमारी पसंद बनेगी, घर वालों की वो पसंद बनेगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि तय करें कि इंशाल्लाह दीन की दावत का जो निज़ाम है खुरूज का और मकाम पर रहकर करने का, उसको पाबंदी के साथ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई करेंगे, कौन कौन करेगा,
और अपनी फिक्र से करें इसे। एक निज़ाम बुजुर्गों ने बनाकर हमको दे दिया कि साल में ये हैं, माहाना ये हैं, रोज़ाना ये हैं, हफ्ते में ये हैं। अब उसकी तरगीब तो ठीक है कि तरगीब होती रहे, उसकी बार बार होती रहे, लेकिन जिम्मेदार साथियों की तश्कील हो, जो तश्कील करने वाले उनकी कोई तश्कील करें, ये उनके लिए मुनासिब नहीं है, ये उनके लिए मुनासिब। वो तो खुद अपनी तरतीब बना, खुद अपनी तरतीब बना, 15 दिन पहले से, महीना पहले से, 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से इजहार कर रहे हो कि हमारा खुरूज का ये वक्त है, हम इंशाल्लाह अपनी तरतीब बना रहे हैं, वो अपने साथ जमात बना रहे हो। ये जितने हमारे ज़िले से तकरीबन 250-300 जमातें चिल्ले की हर साल रवाना होती हैं, तो वो तकरीबन वो साथी हैं जो पाबंदी से वक्त लगाने वाले हैं, तो वो अपने साथ अपना वक्त लगा लेते हैं, अपनी जमात बना लेते। लेकिन अभी मज़ीद उनसे 2 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे तकरीबन, उससे और दुगना जिम्मेदार। मुझे इस वक्त सही याद नहीं कि हमारे पूरे ज़िले में जमातें लेकर जाने वाले कितने हैं, लेकिन अभी उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा और साथी होंगे जो जमातें लेकर जा सकते हैं, 4 महीने की चिल्ले की जमातें चला सकते हैं। लेकिन चूँकि वो हर साल पाबंदी से वक्त नहीं लगा पाते हैं, तो इस वजह से वो कमी रहती है। एक तो अपनी कमी रह जाती है कि अपना वक्त नहीं लगा, और दूसरा उस साथी के साथ 12-15 आदमियों का जो वक्त लगना था उसकी कमी रहती, दोनों चीज़ों की कमी रहती है। इसलिए कोशिश हमारी ये हो कि हम अपनी रगबत और शौक़ से वक्त लगावें, हाँ अपने दुनिया के तकाज़ों को आगे पीछे करें। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तक दीन की मेहनत करने वालों को अपनी दुनिया का नुकसान नज़र नहीं आएगा, वहाँ तक दुनिया में हिदायत नहीं फैलेगी। काम करते करते अपनी दुनिया में नुकसान नज़र, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जैसे मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको अपनी दुनिया का नुकसान उठाना पड़ा, उनके घरों में फाके हो गए। अंसार को खेती करने की फुर्सत नहीं मिली, वो किसान लोग थे, घरों में फाके हो गए। मुहाजिर ताजिर लोग थे, उनकी तिजारतें जो हैं वो आगे पीछे हुई, दीन के तकाजे पूरे करते करते घरों में फाके हुए हैं और सख्त हालात से मुतासिर हुए हैं। वो मेहनत करने वाले वो लोग हैं। मौलाना फरमाते थे जब तक हमारा काम करते करते अपनी दुनिया में नुकसान नज़र नहीं आएगा, वहाँ तक दुनिया में हिदायत नहीं फैलेगी। अब हम ये चाहें कि दुनिया हमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जावे, बढ़ती जावे, बढ़ती जावे, और हम काम करें, तो ये दुनिया इजाज़त नहीं देगी किसी को भी, वो तो हमें अपने आप का भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए देखें जो जिनको लत चढ़ी है दुनिया कमाने की, वो अपने आप के भी नहीं बचे हैं, वो अपने भी नहीं रहे हैं। घर वाले कहते हैं, लोगों के पास जाते के समझाओ हमारे भाई को, न बीवी बच्चों का बचा है न घर का बचा है, वो बस सुबह शाम लगा रहता है दुकान पर, सुबह शाम लगा रहता है फ़ोन पर, सुबह शाम लगा रहता है काम पर। अब्बा समझा रहे हैं, माँ समझा रही है कि बेटा कम करो, सेहत होगी तो खाओगे, तंदुरुस्ती नहीं होगी तो क्या करोगे, जिंदगी होगी तो कमाया हुआ काम लगेगा। कि लत चढ़ी है उसकी, तो वो अपने आप के भी नहीं बचे हैं। दीन का ये काम ज्यादा इसका हकदार था कि हम इस पर अपनी जान माल लुटा देते, जिस पर हुजूर ने अपनी जान माल लगाई है, जिस पर सहाबा ने अपनी जान और माल को लगाया है, जिस पर ताबेईन ने अपने सारे सरमाए खर्च किए हैं, और हर ज़माने में अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी जान माल लगाने का मसरफ अल्लाह के दीन को बनाया है, अपना सब कुछ लगा दिया कि दीन दुनिया में ज़िंदा हो जावे। ऐसे हज़ारों अल्लाह के बंदे मिलेंगे, और इस वक्त भी दुनिया में ऐसे बंदे हैं कि जो अपनी जान और माल लगा कर अल्लाह के दीन के दुनिया में ज़िंदा होने की तमन्ना कर रहे हैं और उसी की दुआ में लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि वो तौफीक हमें नसीब हो जाए। हाँ लेकिन वैसे नहीं होती, इस्तिग़ना के साथ नहीं होती, हाँ इसके लिए तालिब बनना पड़ता है। ये इतना सस्ता सौदा नहीं कि ऐसे ही हमको मिल जावे। अला इन सिलातुल्लाहिल ग़ालिया, अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं है, वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जैसे 1 तोला सोना 50,000 में मिलता है, इतनी सी टुकड़ी है 50,000 की है, हाँ मार्केट में छोटी इतनी सी जमीन है करोड़ों में है, कि बहुत महंगी है, वो सस्ता सौदा नहीं है। ऐसे सस्ता सौदा नहीं कि अल्लाह पाक हर एक को इसके लिए कबूल कर ले,
कोई चाहत तो हो अंदर, अंदर कोई तमन्ना तो हो, कोई अरमान हो, कुछ इसके लिए दुआ भी तो हो कि बंदा अंदर से चाह रहा हो कि मेरी जान, मेरा माल, मेरे जज्बात, मेरी औलाद अल्लाह के दीन के काम आ जाए। ये अल्लाह के दीन के काम आए, इससे इनके जरिए से दीन दुनिया में जिंदा हो जावे। यही सहाबा के दिलों के अरमान थे, सहाबा के दिलों के अरमान थे। वाज़े खंसा रदी अल्लाह ना, एक औरत है, बेवा औरत, बेवा औरत है, जिनका शोहर पहले अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। चार बेटे हैं, चारों बेटों को पाला पोसा, जवान किया और फिर उनको लेकर चली गई और बेटों को अब जाकर कह रहे कि देखो मैंने तुमको आज के दिन के लिए पाला था कि तुम अल्लाह के दीन के काम आ जाओ, और मैंने तुम्हारी परवरिश में कोताही नहीं की है, मैंने तुम्हारे मामुओं को रुसवा नहीं किया है और तुम्हारे नसब को खराब नहीं किया है, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ तुमको पाला पोसा है और आज के दिन के पाला था कि अल्लाह के दीन का कोई तकाजा आवे और तुम जाकर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओ। देखो बेटा पीठ मत दिखाना, मेरी तमन्ना तो यह है कि मैं कयामत के दिन चार शहीदों की मां कहलाऊं। इस पर फख्र है कि मैं कयामत के दिन चार शहीदों की मां कहलाऊं। ये औरत के जज्बात, हम तसव्वुर करें, सोचें कि हमारे जज्बात क्या हैं अपनी औलाद के बारे में, हम क्या सोच रहे हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में और खुद अपने बारे में। इसलिए जरूरत है कि हम एक सही रुख की पहले अपनी फिक्र पैदा करें, अपनी फिक्र को सही रुख पर लाएंगे तो इंशाल्लाह आदमी फिक्र के पीछे जाता है। अपनी फिक्र को सही करना है कि हम अल्लाह के दीन के लिए, हमारा वजूद, हमारा वजूद अल्लाह की इबादत और इताअत और अल्लाह के दीन की दावत के लिए, यह हमारा मकसद है। दो जगह अल्लाह पाक ने मकसद को बयान किया है, एक जगह इबादत को मकसद करार दिया, वमा खलकुल जिन वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्ना तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वहीं दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको लोगों की नफा रसानी के लिए निकाला गया है और नफा रसानी में तुमको क्या काम करना है वो काम भी समझा दिया अगला, कि इस जगह जो खास नफा रसानी और उखरिजत लिन्नास का जो मकसद बताया है वो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर है। इसलिए आयत अमर फरमाते थे, इस आयत के मिस्ताक वही लोग होंगे जो अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर करेंगे, अल्लाह की शर्तों को पूरा करेंगे। अल्लाह की शर्तें, ये मकसद ज़िंदगी है कि हम अपनी इबादत को और अपने अमाल को संवारते हुए पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो, इसके लिए अपनी जान, अपने माल, अपने जज्बात से कोशिश करते रहें, उसी को सोचें, उसके इरादे करें, अजाइम करें और अपनी दुआओं में इसको लाएं कि अल्लाह तो हमारे लिए इसको आसान कर दें, जैसे तूने सहाबा के लिए आसान किया और उन्होंने काम किया, ऐसे हमारे लिए भी इसको आसान कर दें ताकि आसानी के साथ हम भी दीन का काम कर सकें। करेंगे इंशाल्लाह, इसकी नीयत कर दें कि नीयत बनाकर, एक फिक्र बनाकर दो दो रकात पढ़ के दुआएं करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, मांगेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ नीयत कर लेंगे तो उसको मांगेंगे, कुछ नीयत कर लेंगे तो उसको मांगेंगे। तो अभी इस मजलिस में नीयत बनावे, कभी नीयत बनावे कि हमें क्या मांगना है अल्लाह से, अल्लाह से क्या मांगना है, क्या मंजूर करवाना है। कोई हमारा फॉर्म तैयार होगा तो उस पर हम दस्तखत करवाएंगे, कोई फॉर्म ही तैयार नहीं है, कागज लेकर गए किसी भाई साहब दस्तखत कर दो, वो कहे भाई क्या है इसके अंदर, हम क्या दस्तखत करेंगे। कोई नीयत बनावे, कोई इरादा करें और उस इरादे पर फिर अल्लाह से उसको मंजूर करवाएं, कबूल करवाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपने दीन के काम के लिए कबूल कर लेगा। तो इसके लिए आप हजरात से गुजारिश है कि इस वक्त खड़े होकर इजहार करें कि इस मजमे में से कौन कौन साथी दीन की इस मुबारक मेहनत के लिए अपने आप को पेश करें कि इंशाल्लाह चार महीने के लिए चिल्ले के लिए हम तैयार हैं। खड़े होकर इजहार करें, हिम्मत से खड़े हो जाएं। जी भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
सभी खड़े हो सकते हैं माशाल्लाह। और पेश कर, और पेश कर, जल्दी 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 खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो जा, और पेश करें, और पेश करें, चार महीनों के लिए, चिल्ले के लिए, और खड़े हो जाएं। हिम्मत से खड़े हों कि इंशाल्लाह हम तैयार हैं माशाल्लाह। अभी जो जाने वाले वो भी खड़े हों। माशाल्लाह, और खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए। और पेश करें, और पेश करें, हिम्मत से खड़े हों। अभी और बहुत सौ के दिल में बात आ रही है, आगे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अपनी तरतीब बनावे, हिम्मत से खड़े हों। माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। अच्छा, इसमें अभी जो जाने वाले हैं जमातों में, आगे 2-4 दिन में, 5 दिन में जो तैयार है जमात है, ऐसे साथी कितने मजबूत में बैठे हैं, उधर खड़े हो ज़्यादा लोग इस मजमे में हैं जिनका सालाना वक्त बाकी। अब या तो वही होगा को अपने सालाना खुरूज के महीने के इंतज़ार में होंगे, कुछ तो वो होंगे कि जो पाबंदी से लगाते हैं, लेकिन अभी उनका इस साल का महीना अब होगा कि हर साल वो जून में जाते हैं, जुलाई में जाते हैं, अगस्त में जाते हैं। लेकिन कुछ साथी वो होंगे कि जिनका महीना फरवरी था, जनवरी था या दिसंबर था गुज़िश्ता साल, उसमें जाना था नहीं जा पाए, किसी का अक्टूबर था, किसी का नवंबर था, उसमें नहीं जा पाए हैं, ऐसे भी इसमें बहुत सारे होंगे। अपने थोड़ी देर के लिए हल्के वाइज हल्के लगावें ताकि हम इस आज के इस जोर से कुछ लेकर जावें, आज के इस जोर से कुछ लेकर जावें कि भाई हम अपने खुरूज की नीयत लेकर गए हैं कि भाई साल पूरा हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, ऊपर 2 महीने, 3 महीने हो गए, वक्त बाकी है, तो ये हम यहाँ से लेकर जाए कि हम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अपनी सालाना खुरूज की तरतीब बना लें। बना लेंगे इंशाल्लाह भाई, बनाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन बनाएगा और बराबर करो, अल्लाह पाक ने बड़ा हाथ दिया, इतना सा थोड़ा दिया, इतना लंबा दिया है, सभी तैयार है माशाल्लाह। तो इसके लिए अपने थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए हल्के लगा दें, हल्के वाइज, और आपस में आप हजरात खुद ही बैठ कर तय करें, हर जाने वाला खुद अपना वक्त तय करे कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अपनी तरतीब बना लूँगा इंशाल्लाह। और अपने साथ इसमें बहुत सारे वो हैं जो जमातें लेकर चलते हैं, और अपने साथ में अपनी जमात बनाऊँगा, तैयार है इंशाल्लाह इसके लिए। तो जिस इत्मीनान से आप बैठे हैं बैठे रहें, हल्के वाइज पुकारेंगे, जिस हल्के का नाम हो वही लोग खड़े हों, एक तरफ हल्का लगा दें, अपना काम पूरा करके वापस आ जावें, तो फिर इंशाल्लाह अपनी वाकई मजलिस उसमें तकमील हो जाएगी। तो करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से, अरे भाई करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले क्या कह रहे हैं भाई, पीछे वाले तैयार हैं इसके लिए, बाहर तो नहीं निकलेंगे कोई, माशाल्लाह समझदारों का मजमा है, अभी तक बहुत सुकून इत्मीनान से आप हजरात बैठे हैं। बाकी ये हमारा 6ठा नंबर है, ये जो हो रहा है अभी जो काम होगा वो तबलीग में 6ठा नंबर है। एक जगह हम लोग गए यूपी के देहातों में, तो वहाँ एक दिन पहले एक जमात पहुँची होगी, उन्होंने कुछ बयान वयान किया होगा, और फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग गए, तो हम लोगों ने तरतीब दी और वो बयान हुआ, बयान के बाद तश्कील हुई,
तश्कील हुई, एक जमात चिल्ले की बनी, एक तीन दिन की बनी, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अपनी जमात जो वहाँ मौजूद थी, उस जमात से लोग कहने लगे कि ये तबलीग वालों का प्रोग्राम था जिसमें तश्कील होती है। तो ये छठा नंबर जो है वो हमारा एक काम है, तो कोई जाहिर चीज़ नहीं हो रहा। आप लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कुछ नया आया है, फिर तो वो नया नहीं है, ये पुराना ही है। और ये एक हमारा काम है, छठा नंबर है हमारा, कि राह खुदा में निकलने की तरगीब और उसकी तरतीब बने। तो इसके लिए हल्का नंबर एक के जितने लोग हैं इसमें ज़रा खड़े हो जाओ, हल्का नंबर एक। और आपसे मुतालिक हल्का कौन सा है? जालौत, जालौत संजेली फतेहपुरा के जितने वो भी खड़े हो जाओ, जालौत संजेली फतेहपुरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हजरात इस तरफ आ जाओ, दाहिनी तरफ, फिर मेरे दाहिनी तरफ किबले की तरफ, और बाकी साथी बैठे रहे भी इत्मीनान से। थोड़ी देर हमारी लगेगी लेकिन इसमें पता नहीं कितनी जमातों की तरतीब बनेगी, मुल्क के कितने जिलों के तकाजे पूरे होंगे। भाई तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, बैठ जाए भाई, जल्दी से जरा तेज कदम चल रहे, जरा तेज कदम चल रहे, आगे देखकर चलते रहे, पीछे ना देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक, जल्दी पहुंच जाओ। अच्छा भाई, हल्का दो खड़े हो जाए, हल्का नंबर दो, और उनसे मुतालिक कौन सा हल्का है? दोहद, दोहद है, हल्का नंबर दो और दोहद के साथ ही। माशाल्लाह, आप हजरात इस तरफ आ जाओ, मेरे दाहिनी तरफ किबले की तरफ। भाई जरा तेज कदम चल ले, तेज कदम चल ले, आगे देखकर चलते रहे, पीछे ना देखें। हल्का नंबर दो, हाँ उधर कर देंगे, चार को या बुला लेंगे। भाई जरा तेज कदम चल ले, जरा तेज कदम चल ले, बैठ जाए भाई, अपनी जगह बैठ जाए, बैठ कर तरतीब बनानी है। भाई इस ये तरतीब बनाने के बाद इंशाल्लाह हमारी मजलिस होगी, मौलाना तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, और उसी मजलिस में दुआ हो जाएगी। भाई आ जाए, हल्का नंबर तीन, हल्का नंबर तीन खड़े हो जाए, हल्का तीन, हल्का नंबर तीन। भाई हल्का नंबर तीन, कौसर से लेकर जहूरपुरा तक की मस्जिद है, और उधर हुसैनी, हुसैनी कौसर जहूरपुरा गनशहीदा गोया कुव्वत इस्लाम, ये सारी मस्जिदें इसमें आती है। और मुतालिक कालोल, कालोल वेजलपुर हलोल बास्का जरोद, इन सब जगहों के साथ ही भी खड़े हो जाए। आप लोग यहां आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे इधर आ जाओ, मुझे जरा तेज कदम चल लो, आगे की तरफ देखते हुए, पीछे ना देखें, उधर हल्का लगा दे जल्दी से। भाई भाई चलते रहो चलते रहो चलते रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्का नंबर पांच, हल्का नंबर पांच, हल्का नंबर पांच, और उनसे मुतालिक लूनावाड़ा बारिया शेरा, हल्का पांच लूनावाड़ा बारिया शेरा, और हो गया। आप लोग उस कोने में चले जाओ, उधर पानी। भाई जरा तेज कदम चल रहे, तेज कदम चल रहे। हल्का चार, और उससे मुतालिक कौन है? संतरामपुर। हल्का चार और संतरामपुर, यहां आगे आ जाओ, हल्का चार और संतरामपुर,
भाई तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह बैठ जावे। भाई हल्का पांच वाले बैठ जावे, हल्का पांच लोनावाड़ा बारिया बैठ जावे। अच्छा इसमें साल वाले कितने? आप लोग खड़े हो जाओ, साल वाले उलमा आप उधर हल्का लगा दो, दूसरे साल का तय करो, पहला पूरा हो गया। Yeah,
बोला सर डॉक्टर
भाई जिनकी तरतीब बन गई है आगे आ जावे, जिनकी तरतीब बन चुकी है अब तशरीफ ले आवे। भाई जिनकी तरतीब बन चुकी है तशरीफ ले आवे, आगे बढ़ जाओ। तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे, सबका निकलना आसान फरमावे। माशाल्लाह।
تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. تشریف لے آئیں بھائی, آگے بڑھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. جو حضرات بیچ میں بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں. تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑھ جائیں. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. آگے بڑھتے رہے بھائی, پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے, آ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. تشریف لائے بھائی, تشریف لائے بھائی. پیچھے صحن میں جو حضرات کھڑے ہیں اندر آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک سب کو قبول فرماؤ. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. ہلکا پانچ باریا لونا واڑا اگر کام ہو گیا ہے تو آگے آ جاؤ, جن کا کام باقی ہے وہ پورا کر لیں, جن کا ہو چکا ہے آگے آ جاؤ. اللہ پاک سب کا نکلنا آسان فرماؤ. بھائی جلدی سے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. ہمارے ان ارادوں پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے جو ارادے کیے ہیں, جو عزائم کیے ہیں, دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں. آسانی تو وہیں سے ہوتی ہے, دو دو رکعت پڑھیں, دعا کریں اور اپنے ارادوں پر جمے رہیں. اپنے ارادوں پر جمے, جمنے والوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے, اکھڑنے والوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. جو حالات سے اکھڑ جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور راستہ بدل لیتے ہیں, ان کی مدد نہیں ہوتی. جمنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اس لیے اپنے جو ارادے ابھی کیے ہیں ان ارادوں پر جم جاویں, دو دو رکعت پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, صدقہ دیں اور بار بار اظہار کریں. بار بار کہیں, حج میں جانے کا ارادہ کرنے والا بھی سب کو کہتا رہتا ہے کہ حج کا ارادہ ہے, دعا کرنا, دعا کرنا, اس لیے کہ وہ سچا ارادہ کیے ہوئے ہیں, سچا ارادہ کیے ہوئے. اگر اس کو آج خبر آ جائے گا کل جانا ہے تو ساری چیزیں سمیٹ کے چلا جائے گا, کچھ نہیں بولے گا کہ میرا یہ کام ہے, میرا وہ کام ہے, کیونکہ وہ سچا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ مجھے جانا ہے. تو آج خبر آئی کہ کل جانا ہے, چلا جائے گا. لیکن راہ خدا میں نکلنے کا ارادہ جب آدمی سچا نہیں کرتا, کہتا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کرتا رہتا, سچا ارادہ نہیں ہوا, اس کو مہینے کے بعد جانا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میرا حالات ہیں, میرے مسائل ہیں, کہ وہ اپنے ارادے میں ابھی کچا ہے اور کچے ارادے پر مدد نہیں آتی. تو اس لیے اپنے ارادے کو پکا کرنا ہے اور بار بار اس کا اظہار کریں, اپنے دوستوں میں, ساتھیوں میں, گھر میں دعا کے لیے کہیں.
तो पक्के इरादे पर मदद आती है, और ऐसी मदद आती है कि आदमी के ईमान को बढ़ा देती है। मदद देखकर भी आदमी का ईमान बढ़ता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ जाती है कि अल्लाह ने मेरी मदद की, मेरे लिए आसान कर दिया। तो इसलिए इरादे को पुख्ता करें, दो दो रकात पढ़ें, सदका दें, और दूसरों को अपने साथ तैयार करें। ये एक काम है, करेंगे इंशाल्लाह। भाई जो दूर बैठे हैं करीब आ जाओ, जो दूर बैठे हैं जो हजरात मजमे के साथ मिल जावे, और जो छोटे छोटे हल्के लगे हैं दो दो चार चार के, वो हजरात भी अब आ जावे। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं इंशाल्लाह, आ जाओ भाई, आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ भाई। औदर बारिया और हल्का पांच का अगर काम मुकम्मल हो गया हो, आप लोग यहाँ बीच में आ जाओ, बीच में जगह खाली है, जरा खड़े होकर हरकत कर लो वहां से। कोने में जितने हजरात हैं वो सब इधर आ जाओ भाई। पीछे जो सहन में हैं जो हजरात बैठे हैं, आप हजरात भी आ जाओ ना आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप हजरात को जजाए खैर दे, आपकी कुर्बानियों को अल्लाह पाक कबूल फरमावे। माशाल्लाह, तशरीफ ले आवे। बाहर भी जो हजरात है वो अंदर आ जाए। भाई सहन वाले जो हजरात जो खड़े हैं आ जाओ, अंदर आ जाओ। सहन में जो हजरात हैं खड़े हैं बैठे हैं लेटे हैं सभी आ जाओ। ये जो बैठे हैं दरवाजे के इर्द गिर्द इधर, आप लोग जरा थोड़ी हिम्मत कर लो ना, दो तीन किलोमीटर से तो आप आए ही, अब थोड़े कदम चल रहे हैं, चंद मीटर हैं, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी कुछ लोग हैं पीछे, आप भी आ जाओ, आप हजरात भी आ जाओ भाई, आ जाओ। अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर अपने जो बाकी साथी हैं, इस वक्त यहाँ किसी मस्जिद के पाँच थे, किसी के आठ थे, किसी के दस थे, और वहाँ बैठने वाले कहीं पचास हैं, कहीं साठ हैं, कहीं चालीस हैं, तो उन साथियों के साथ भी इसका मुजाकरा करें, और उनमें से भी जिनका जिनका वक्त बाकी है सालाना, उनको इस पर आमादा कर लें कि वो अभी ईद से पहले पहले कम अज़ कम अपना चिल्ला लगा लें। जिनकी पाबंदी है अपने अपने अवकात की, वो अपने वक्त पर लगावें, लेकिन जिनका साल हो चुका है या अभी साल हो रहा है मई में जून में, तो उनको आमादा कर लें कि वो ईद से पहले पहले ही अपनी तरतीब बनाकर अपना चिल्ला कम से कम लगा लें, ताकि सालाना खुरूज नागा ना हो। और बाकी जिनके महीने बाद में हो रहे हैं तो उनकी बात की, लेकिन उनकी तरतीबें बन जानी चाहिए। और जो तरतीबें बनी हैं जनवरी में, अमूमन मस्जिद वाले सालाना तरतीब बनाते हैं, तो वो तरतीब का जो पर्चा तैयार होता है कापी में लिखा जाता है, उसको ज़रा निकाल के देखते रहे भाई कौन से साथियों के कौन से महीने में तरतीब है, तो उनको एक महीना पहले से अगर याद दिला रहे हैं, जिस साथी को जुलाई में जाना है उनको जून से, और अभी से आवाज़ लगा रहे हैं जमात बनाने की, तो फिर आसानी के साथ उन साथियों का वक्त लग जाता है, उनके साथ जमातें बनती हैं। तो इसलिए जो निज़ाम आप हजरात ने मस्जिदों के अतबार से बनाया है उसको ज़रा देखें,